Big Boss, Big Boss. तो मैं आज आपके लिए ये इमेज कंसल्टेंसी वाले विजिटिंग कार्ड्स लेकर आया कि एक एक करके आना है और सजेस्ट करना है कि किस घर वाले को आपकी यानी इमेज कंसल्टेंट की जरूरत है, इमेज मेकओवर कराने की जरूरत है। तो मैं इमेज कंसल्टेंट शालिन भनोट कॉन्टैक्ट मी, ये मैं प्रियंका को देना चाहूंगा। किसी और का सुन के, किसी और के परसेप्शन, किसी और के लिए कोई और डिफरेंट परसेप्शन बनाना बहुत गलत होता है। अपना खुद का एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो मैं अर्चना को बुलाना चाहता हूँ। आप में जो होता है कि सब लोग प्यार करते हैं, आपको वो वाला साइड देखे जो आप मस्ती करते हो, मजे करते हो, बट एक दूसरा है वो गुरूर आप लेके चलते हो, दूसरों को नीचा दिखाते हो। अगर वो नहीं करोगे तो शायद हमें भी प्राउडली बताने में मजा आएगा बाहर जाके कि अरे यार वो अर्चना। गुरूर क्या, वो भी बता दीजिए। गुरूर मतलब जो ही आप खुद अच्छे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरों को नीचा मत दिखाओ। कब दिखाया? हमेशा ब्रो, मतलब मैं अभी तक के जितने कंटेस्टेंट हैं सबने वो अनुभव लिया है आपसे, एक्सपीरियंस लिया है। मैं अर्चना की। अच्छा मैम, जहाँ बड़ा भाई वहाँ छोटा भाई तो चलेगा ना साथ। मेरे को ऐसा लगता नहीं क्या ये मतलब इनका जो प्रोफेशन है, ये जो नेता बनना चाहते, तो अगर मैं इनके क्षेत्र में रहता तो पहला मैं रहता था इंसान जो भागो उधर से। तू डिसाइड नहीं करेगा कि मैं क्षेत्र की नेता बनूंगी नहीं बनूंगी, तू पहले अच्छा सिंगर बन, ठीक है? रैपर है वो। हाँ, जो भी है, दूसरों के काम पे मत जा, वरना मैं बोलने लगी ना तो तू चुप हो जाएगा, तो इसलिए चुप ही बैठ।